शिवाजी महाराज की। इतने जोर से ना बोलो, सुन जाएगा बालाजी महाराज ने, और बेरा लाग जाएगा कि तेरे नाम की सभा मणि लगा रखी आज मालसर गांव में। चोरी से करवा रहे हो कि सरेआम करवा रहे हो प्रोग्राम? सरेआम। तो जयकारा की आवाज कहां गई थारी? दोबारा जयकारा लगवाऊंगा, सभी ने जोश के साथ और जोर से जयकारा लगाना है। हाथ ऊपर उठा के, हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ। ये तो शुरू में जयकारा बोल लेते हैं, सारे उठाओ। ए आंटी, भगवान ऊपर को नहीं खींचा, बहुत उम्र पड़ी है, उठा ले बालाजी के नाम से, मेरे नाम से नहीं। वेरी गुड, और जोर से बोलना, बोल बालाजी महाराज की। पता चला ना, ऐसे जयकारा बोलना आप लोगों ने। मेरे पिता के समान बुजुर्गो, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, और राजस्थान पुलिस फोर्स से आए हुए तमाम ऑफिसर्स, अदर रैंक्स जो भी हैं, पत्रकार छायाकार भाई अगर कोई है, समाज सेवी नेतागण कोई आकर के बैठा हुआ है, एक्स फौजी गंगा के समान पवित्र बैठी हुई मेरी माताओं बहनों, और लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सबसे पहले आपके अपने चहेते गायक कलाकार फौजी करमवीर और हमारी इस पूरी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम सा राम राम ले लो। यो राम राम का नाम भी लोगों के मुंह में तो आजकल बड़ी मुश्किल ही गड़ा भाई। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के जमाने में बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया, किसी ने छेड़ लो खान ना आवे, किसी ने प्यार से भी बोलोगे राम राम उल्टा जवाब मिलेगा कि गंगे ना काए हुए। जबकि कितनी अच्छी बात है, दो बार मेरे मुंह से राम राम निकले और दो बार आप लोगों के मुंह से राम राम निकले। तो भगत जनो, मैं शुक्रगुजार हूं परम पिता परमात्मा का, मां सरस्वती का, कि जिसने मेरे को लिखने का और गाने का गुरु दिया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं बालाजी के प्यारे प्यारे भक्तों का, इस पूरी फैमिली का, जिन्होंने आज यहां पर बालाजी महाराज के नाम से सवामणि लगाई है, और पूरे गांव वालों का कि जिन्होंने मेरे को आज इस स्टेज के काबिल समझा, इस मंच के काबिल समझा, और रब जैसे श्रोताओं से मिलने का मौका मेरे को दिया। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी जो भी मेरे को सुन रहे हैं, कि जिन्होंने मेरे के गीत, एक एक भजन, एक एक रागिनियों को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार दे के इस मकाम पे जाके खड़ा कर दिया कि थारी चरणों की धूल के बराबर था मैं, आज आप लोगों ने मेरे को शिखर पे पहुंचा दिया। और भगत जनों, बालाजी के नाम से ये प्रोग्राम, बालाजी महाराज के भजन, पारिवारिक रागणियां, देशभक्ति सॉन्ग, शिक्षा प्रद भजन, जैसा भी माहौल होगा उसी प्रकार से आप लोगों के बीच में प्रोग्राम चलता रहेगा। और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आज बुलाए हुए हैं, महेंद्र उर्फ झंडू कॉमेडी कलाकार आप लोगों के बीच में है, रेखा शर्मा हिसार से आप लोगों के बीच में है, और दो ये गुड़िया जो बीच में है, नेहा चौधरी, नीलू चौधरी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और एक गाना चला था इनका बड़ा बढ़िया, सारे गांव में वो कौन सा था छोरियो, हो रहा से तेरी बहन का रोड़ा करते त्यार झोड़ा, कुछ ऐसा ही सॉन्ग था, सारे गांव में हो रहा से तेरी बहन का रोड़ा, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है। ये दोनों गुड़िया उसमें हैं, तो बहुत बढ़िया कलाकार आप लोगों के बीच में आ जाए हुए हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करता हूं कि बारी बारी से कलाकार आएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई जैसा माहौल होगा उसी प्रकार से हम प्रोग्राम चलाएंगे। डिसिप्लिन आप लोगों ने बरकरार रखना है, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी प्रोग्राम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अनुशासन डिसिप्लिन बताते हैं। जिस देश का डिसिप्लिन होता है उस कंट्री का झंडा हमेशा सबसे ऊंचे रहता है। अगर आप लोग भी चाहते हो आपके इलाके का, आपके सूबे का, आपकी कंट्री का झंडा ऊंचा रहे, तो डिसिप्लिन बरकरार आप लोगों ने रखना है। तो भगत जनों, इस आधार से कर्मवीर को फौजी कर्मवीर बनाने वाले परमपिता परमात्मा उस भगवान की कृपा है, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो जिन्होंने इस फौजी कर्मवीर को गायक फौजी कर्मवीर का दर्जा दिया। और अभी सबसे पहले आप लोगों के बीच में बालाजी महाराज की एक वंदना मीठी मीठी प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी कोई भी कलाकार से कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो 10 भक्तों को अच्छी लगे, 2 भक्तों को अच्छी ना लगे, तो मुझे अपना बेटा भाई साथी यानी कुछ भी समझ के आप लोग भगत जनों माफ कर देंगे। तो आप लोग यहां पर आए हो, सभी के मन में कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है जब बालाजी महाराज का नाम आ जाता है,
सबसे पहले तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो भगत के जिन्हें बाबा जी ऐसा मौका देता है, ऐसा दिन देता है कि बाला जी के महाराज के नाम से जैसे आज सवामणि का ये प्रोग्राम लगाया है, क्योंकि भगत जनों धर्म के पुण्य के काम बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इंसान कितना मर्जी कमाता रहे, घर भरता रहे, कमाता रहे, घर भरता रहे, कमाता रहे, घर भरता रहे, कोई नहीं पूछता, अपने लिए कर रहा है, समाज के लिए, धर्म के काम के लिए थोड़ा बहुत कुछ करेगा तभी जाके समाज जो है मानता है कि भी हाँ वाक्य में है बंदा। तो इसीलिए भगत जनों देखो कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया है आज बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों ने, कितना अच्छा साउंड, लाइटिंग, टेंट, बैठने का अरेंजमेंट, और जो है कल भंडारा होगा। तो भगत जनों बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ पहले इन भक्तों के लिए, हमारे लिए तो बाद में बजाना, बहुत बड़ी बात होती है ये सोचने लगे इंसान। आप सोच के भी देखोगे तो भी पता चलेगा कि कितना अरेंजमेंट कैसे कैसे करना पड़ता है, कितनी बंदोबस्त करना पड़ता है। तो आप सभी के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर है कि हे मेरे बालाजी महाराज, आप यहाँ बालाजी के नाम से आए हो कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी वो इच्छा पूरी कर दे, आपने मेरा वो काम नहीं किया। तो भगत जनों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोग किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करते, तो भगवान आपके भंडार जरूर भरेगा। कहते हैं भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बालाजी महाराज ये भगवान आपको कुछ दे देता है, किसी काबिल बना देता है, आपकी इच्छा पूरी कर देता है, तो फिर इंसान का फर्ज बनता है कि भगवान की दी हुई चीज के ऊपर बंदे को जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाले बाबा जी हैं तो छीनने में भी सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे अगर आपने घमंड किया तो। हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करो कि हे मेरे बालाजी वीर हनुमान, आपने मुझे जो दिया मुझे संतुष्टि है, खुश हूं मैं, इससे ज्यादा मेरे को आप देना चाहे मत देना, लेकिन हाथ जोड़ करके मैं एक प्रार्थना करता हूं आपसे कि एक तो मेरा बुरा समय था जिंदगी में, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नंगे पैर आपके दर पे आता था, मेरे पैरों में छाले तक पड़ जाया करते थे, मैं झोली फैला के यूं खड़ा हो जाता था कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरा अच्छा समय कब आएगा, और बाबा आज मेरा अच्छा समय आ गया, मेरे पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं मैं आज आपसे कि इस अच्छे समय को पा करके वो जिंदगी में मेरा पूरा टाइम, पूरा समय जो आया था उसे मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि भगत जनों अच्छे समय को पा करके जिंदगी में आया हुआ बुरा समय अगर इंसान भूल जाता है ना तो वो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, और जो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है वो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, और जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है उस इंसान की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती, और समाज में जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं रहती वो इंसान जीते जी मरे के समान होता है भगत जनों। इसलिए हे मेरे बालाजी वीर हनुमान, अच्छे माड़े गरीबी में, मुनाफे में, टोटे में मुझे किसी भी हालात में रखिए, लेकिन मुझे मेरी औकात में रखिए ताकि समाज के सामने गर्दन उठा के चल सकूं मैं, मुझे गर्दन नीची ना करनी पड़े। और किसी काबिल अगर आपको बना दिया बाबा ने तो एक ही फरियाद करनी है भगत जनों, और वो कौन सी फरियाद करनी है, हाँ हो इतने दुख भी ना देना बाबा के सह नहीं पाऊं मैं, हो इतने सुख भी ना देना मुझको के थाने भूल जाऊं मैं, हो आज दुनिया की सारी खुशी चाहे मुझे मिल जाओ फिर भी कहूंगा मैं तो आज तेरा ही दिया खाऊं मैं, और ऐसा ऐसा दिल मेरे इस सीने में तू रखना, गरीब बेसहारा के भी सदा काम आऊं मैं, और ये पैर सदा अपने इस जमीन पे टिका के रखो, वैसे चाहे अंबरा में बाबा रोज उड़े जाऊं मैं, के पैर सदा अपने जमीन पे टिका के रखूं, वैसे चाहे अंबरों में रोज उड़े जाऊं मैं,
भगत जनों आप कितने मर्जी हवा में हो जाओ, सुन लेना भाई, कोई लीडर अगर मेरे को सुन रहा हो यहाँ बैठा, आप कितने मर्जी हवा में हो जाओ, तरक्की करो जरूरी है, कंपटीशन का मामला है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लेकिन नीचे देखो, आपके पैर जमीन पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे और आप हवा में होंगे तो दुनिया बोलेगी रे ये तो सुर्खी हवा मांड है भाई, इसने कोई को नहीं पूछा, इसका साथ छोड़ दो। इसीलिए कहता हूं कि ये पैर सदा अपने इस जमीन पे टिका के रखो, वैसे चाहे अंबरा में रोजी उड़े जाऊं मैं, और ऐसा ही सलूक मेरा इन लोगों में तो रखना, के सारा जग रोए जद दुनिया शो जाऊं मैं। अच्छे चाहे माड़े हालात में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए। हो अच्छे चाहे माड़े, अच्छे चाहे माड़े हालात में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए। लड़ाई कभी करूँ ना, भूल के भी किसे की बुराई कदे करूँ ना, किसी के भी संग में लड़ाई कदे करूँ ना, अरे भूल के भी किसी की बुराई कभी करूँ ना, तेरा हूँ मैं तेरा, तेरा हूँ मैं तेरा, एहसास में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए मुझे मेरे बालाजी, कात में तू राखिए। शहर देश की तो खैर मैं मनाता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे सभी को मैं चाहता रहूं, के गांव शहर देश की तो खैर मैं मनाता रहूं और सारे मुझे चाहते रहे सभी को मैं चाहता रहूं। भगत जनों आप बाबा की कृपा से कहीं भी बैठे हो, अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, अपने सूबे को छोड़ के आप कहीं पे भी बैठे हो, वहां बैठे बैठे भी बाबा के सामने हाथ जोड़ करके ये फरियाद करनी है कि हे मेरे बालाजी महाराज, एक तो मेरी एक कर्म भूमि जहां आपके आशीर्वाद से मैं कमा रहा हूं, मेरी रोजी चली हुई है बाबा, लेकिन एक वो मेरी जन्मभूमि, मेरा वो गांव, मेरे गांव की वो गलियां और मेरे घर का वो आंगन जिसमें मेरा बचपन बीते है मेरे बाबा, और मेरे गांव के वो सीधे साधे लोग, उनकी भी इसी प्रकार से तरक्की करवा दे जैसी आज आपने मेरी तरक्की करवा के रखी है।
किसी के भी प्रति दिल में कभी भी ज्वलनशील भावना पैदा मत करना भगत जनों, वरना खुद जल जाओगे, किसी का कुछ नहीं लोगे कैसे। अरे काम शहर देश की तो खैर मैं मनाता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे सभी को मैं चाहता रहूं। सातापन मेरी हर बात में तुरानी, मुझे मेरे बालाजीओ बात में तुरानी, मुझे मेरे बालाजीओ बात में तुरानी। तेरी कृपा से आज शोहरत पाली है, लोगों के दिलों में मने जगह भी बना ली है। तेरी कृपा से आज शोहरत पाली है, लोगों के दिलों में मने जगह भी बना ली है। हर एक बंदे की मुझे चाहने तुराकिए, मुझे मेरे बालाजीओ कात में तुराकिए, मुझे मेरे बालाजीओ कात में तुराकिए। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर करण से, सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर चमन से, ये बंधन तो अरे फौजी लोग बोले नाम मैं कमाता रहूं, होती रवे चढ़ाई सदा इया ही मैं गाता रहूं। फौजी लोग बोले नाम मैं कमाता रहूं, होती रवे चढ़ाई सदा इया ही मैं गाता रहूं। फौजी करमवीर ने भी, फौजी करमवीर ने भी ओ साथ में तुरा दिए, मुझे मेरे बालाजीओ कात में तुरा दिए, मुझे मेरे बालाजीओ कात में तुरा दिए। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ महाराज की आवाज नहीं आई।